देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आइए देखते हैं 5 मिनट में उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरें। सेलाकुई स्थित शीशमबाड़ा में बनाए गए कूड़ा निस्तारण को लेकर अब विवाद बढ़ गया है, जिसको लेकर अब स्थानीय लोगों ने विरोध और तेज कर दिया, जिस क्रम में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन गौरा देवी पर्यावरण संस्थान के गेट पर दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जनपद के समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मंगेश गिल्डियाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश में प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के बाद प्रदेश में भी पंचायत संगठनों के अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा है। हालांकि ये संवैधानिक पद नहीं है, पर राजनीतिक वर्चस्व को लेकर इन पदों में भी होड़ बनी रहती है। काशीपुर में रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति ने गोली चलाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की परिजनों की माने तो यह इस घटना को हत्या बता रहे हैं। एक बार फिर चोरों ने डोईवाला में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए घर से नकदी और गोल्ड ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को मिलते ही कोतवाल राकेश गोसाई पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। उत्तराखंड में इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में 3 मार्च से 6 मार्च तक चलाया जाएगा। सरकार ने इस सत्र के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस विभाग ने भी शासन में अपने पुलिस बजट को लेकर प्रस्ताव भेज दिए हैं। चंपावत जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हासिल करने वाले किसानों को सम्मान निधि की 4थी किस्त प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड को बैंक खातों के साथ लिंक कराना जरूरी होगा। जिले में 33,772 किसानों ने विभिन्न माध्यमों से किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ के लिए जहां राज्य सरकार और मेला प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं तमाम अखाड़े अभी से मेले की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। सन्यासियों के 7 अखाड़ों में से सबसे बड़े पंच दस नाम जूना अखाड़ा में कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ज्ञान गंगा उत्कृष्टता केंद्र रुद्रप्रयाग में अप्रैल प्रथम सप्ताह से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जनपद के युवाओं को कराने हेतु जिला कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी मंगेश गिल्डियाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कक्षा 12 व 12 के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा की कोचिंग दी जाएगी। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुरु रामराय इंटर कॉलेज 3 पदों पर नियुक्ति को लेकर खेल खेल रहा है और प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को भी छला जा रहा है। देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ती महंगाई के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बढ़ती महंगाई पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विकासखंड जखोली सभागार में नवनिर्वाचित 5 न्याय पंचायत के 50 ग्राम प्रधानों, 14 क्षेत्र पंचायत और 2 जिला पंचायत सदस्यों के अलावा मनरेगा सहायक, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। देश में भारत सरकार और राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य मेले का आयोजन कर रही है, लेकिन आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे आयुष छात्रों की बढ़ी हुई फीस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी निजी संस्थान बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ले रहे हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या की आशंका नजर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बयान दिया है कि 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। गैरसैंण में सत्र आयोजित करने पर सरकार का जताया आभार। मसूरी छावनी परिषद में यातायात की समस्या, सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग निर्माण और छावनी परिषद में कई इलाकों में असामाजिक तत्वों द्वारा असामाजिक कृत्य करने को लेकर मसूरी छावनी परिषद में बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के बेरोजगारों के लिए श्रीनगर के आईटीआई परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अलग अलग दिनों में आयोजित किया जाएगा। मसूरी हाथीपांव घुमनगंज रोड पर एक डीएल नंबर की कार बर्फ में फिसलने के कारण अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवकों में से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। देश में 3 तलाक पर कानून बनने के बाद भी 3 तलाक देने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। 3 तलाक बिल पास होने के बाद भी उद्धम सिंह नगर में लगातार 3 तलाक पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।
काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने बताया कि जल्द ही स्वीकृत विकास कार्यों की DPR तैयार कर ली जाएगी और शासन को भेजी जाएगी, जिससे प्रदेश सरकार से काशीपुर के विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध हो सके। सूचना के अधिकार का कानून 2005 में इस मकसद से बनाया गया था कि सरकारी कामों में पारदर्शिता आए। कालांतर में सूचना के अधिकार से आम आदमी के सामने विभागीय कामों की जानकारी मांगने में परेशानी नहीं होती थी, मगर आज सूचना मांगने वाले को थका थका कर परेशान करने की कार्यवाही बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील में चल रही है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। उधम सिंह नगर के बाजपुर में गोलीकांड के मामलों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों के बीच लाठी डंडे के बाद फायरिंग तक की नौबत आ गई। ये थी उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरें। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। बेल आइकन दबाना ना भूलें।